सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो मिस ना। मैं हूं आपका मेडिकल दोस्त और मेरे इस मेडिकल चैनल में आप सभी लोगों का एक बार से फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में नीरी KFT सिरप के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। हम दोस्तों इसके बारे में बताएंगे कि इसे किन किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, इसके डोज क्या होते हैं, इसकी प्राइस क्या हो सकती है और इसे आप कहां से ख़रीद सकते हैं। दोस्तों, इन बातों को जानने के लिए आप इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करें, इस वीडियो में शुरू से अंत तक ज़रूर बने रहें। दोस्तों, नीरी KFT सिरप कुछ इस तरह के बड़े से कागज़ के कॉटन बॉक्स में आता है, जिसे बनाती है एमिल फार्मा। एमिल फार्मा एक बड़ी कंपनी है जो कि ज़्यादातर आयुर्वेदिक मेडिसिन मार्केट में बेचती है। दोस्तों, नीरी KFT सिरप से ही हमें यह अंदाज़ा लग जाता है कि ये किडनी फंक्शन ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, अगर आपके किडनी में किसी तरह की समस्या हो गई हो, किडनी में इन्फेक्शन हो गया हो या किडनी में आपकी अच्छी तरह से काम नहीं कर रही है, जिसकी वजह से आपके बॉडी में सूजन हो गया है, या फिर आपने बहुत ज़्यादा अल्कोहल का इस्तेमाल किया है जिसके वजह से आपकी किडनी बिल्कुल फेल हो गई है, तो दोस्तों उन कंडीशन में नीरी KFT सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। ये किडनी का एक प्राइमरी, समझ लीजिए कि प्रोवाइडिंग एक प्राइमरी किडनी केयर का ये काम करता है। दोस्तों, अक्सर हमारे किडनी के ख़राबी की वजह से हमें UTI इन्फेक्शन हो जाता है, साथ में बहुत से लोगों को पेशाब करते समय जलन होती है, पेशाब रुक रुक के होता है, या पेशाब करते समय दर्द होता है, या पेशाब का रंग पीला होता है, तो उनमें भी काफ़ी अच्छा काम करता है। या फिर आपके प्रोस्टेट बढ़ गया है, उसमें भी उसको सही करने में ये काफ़ी अच्छा काम करता है। साथ ही दोस्तों, किडनी में अगर आपके सूजन है जिसकी वजह से आपको दर्द होता है, उनमें भी काफ़ी अच्छा काम करता है। साथ ही दोस्तों, कई बार बहुत से लोगों को डायबिटीज़ की वजह से, डायबिटीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है जिसकी वजह से उनके जो किडनी है वो काम नहीं करते अच्छी तरह से, यानी कि किडनी फेल हो जाती है। तो दोस्तों, डायबिटीज़ के पेशेंट भी ले सकते हैं। डायबिटीज़ के कारण अगर उनका किडनी अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है तो उन कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही दोस्तों, इसका इस्तेमाल अगर किसी के किडनी में स्टोन है, किडनी के स्टोन को अगर वो बाहर निकालना चाहते हैं, यानी कि किडनी स्टोन ख़त्म करना चाहते हैं, तो उन कंडीशन में भी नीरी KFT सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये किडनी को पेशाब के रास्ते, मतलब कि पथरी को पेशाब के रास्ते बाहर निकाल देता है और किडनी से राहत मिल जा पथरी से राहत मिल जाती है। तो देखा जाए तो दोस्तों, एक आयुर्वेदिक ये सिरप है जिसके इस्तेमाल करने से हमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, और 200 ml के बॉटल में ये उपलब्ध है, जिसकी कीमत की बात करें तो ये 520 रुपये के लगभग आपको हर किसी मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाता है। चाहे तो आप इसे ऑनलाइन Amazon वगैरह से भी ख़रीद सकते हैं। दोस्तों, इसकी डोज की बात कर लेते हैं, तो इसका जो डोज है दोस्तों, मैं बता देता हूँ आपको, इसका जो डोज है दोस्तों, इसका एडल्ट में जो डोज है, 3 चम्मच इसको लेना चाहिए खाना खाने के बाद, दिन भर में 3 बार, यानी कि 3 चम्मच सुबह में, 3 चम्मच दोपहर में और 3 चम्मच रात में सोने के टाइम। बच्चों में, जो बच्चे 3 साल से लेकर 6 साल के हैं, उन्हें हम आधा चम्मच दिन भर में 2 बार दे सकते हैं खाना खाने के बाद। यहीं बच्चे 7 से 12 साल के हैं तो उन्हें हम 1 चम्मच यानी कि 5 ml दिन भर में 2 बार दे सकते हैं खाना खाने के बाद। यानी कि दोस्तों, एक इफ़ेक्टिव सिरप है जो कि ज़्यादातर जो डॉक्टर इसे प्रिस्क्राइब करते हैं किडनी को हेल्दी रखने के लिए, या आपकी किडनी अच्छी तरह से काम नहीं कर रही है, या किडनी में किडनी स्टोन है, पथरी है, उसे भी बाहर निकालने का ये काफ़ी अच्छा काम करता है। यानी कि रिस्टोर्स किडनी हेल्थ एंड किडनी फंक्शन नेचुरली तरीके से ये करता है, यानी कि इसमें कोई भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। साथ ही दोस्तों, ये शुगर फ्री आता है, जो शुगर के पेशेंट हैं वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और अच्छा सिरप है। अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एक बार अपने नज़दीकी डॉक्टर से
ज़रूर एक बार कंसल्ट कर लें, उसके बाद इस्तेमाल करें। तो यह था दोस्तों नीरी के एफटी सिरप के बारे में सब कुछ। वीडियो अच्छा लगे जरूर लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। आपके मन में कोई प्रश्न या सुझाव हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।